सो हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक और नए फेस वीडियो के साथ। तो गाइस मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में गाइस कुछ स्टेप की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। साइड फोटो एडिटिंग करना कुछ स्टेप की आज गाइस आपको सिखाने वाला हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड बैकग्राउंड को एंड हम अपने फेस को कितना हार्ड एडिट किए हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए नॉर्मल है एंड यहाँ पे एंड फेस नॉर्मल है एंड इसको मैं एडिट किया हूँ तो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो गाइस अगर आपको भी ना सेम कुछ स्टेप से मेरे तरह एडिटिंग सीखना होगा तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना होगा, तभी जो है ना गाइस आप कुछ स्टेप से मेरे तरह एडिटिंग सीख पाएंगे। तो इससे पहले ना आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर जो भी फोटो सेलिब्रेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली इस स्टेप का फोटो एडिटिंग करने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ से अपने मोबाइल के लेके अंदर, ठीक है। तो गाइस आपको कुछ स्टेप से एंड कुछ स्टेप से एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो एंड सबसे पहले आपको आना होगा अपने ओरिजिनल पिक पे एंड फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे। देन गाइस देखिए यहाँ से बहुत इजी स्टेप पे मैं आपको बताऊंगा, बस स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले जो भी हमें हमारा लाइटरूम ऐप के अंदर इस फोटो को हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे। जस्ट देखिए गाइस हमारा जो फोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर ऐड हो चुका है। तो आपका फोटो लाइटरूम ऐप के अंदर जैसे ऐड होगा आपको जो ना एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस नोटिफिकेशन पे हम लोग एक बार टैप कर देंगे। देखिए गाइस यहाँ पे फोटो जो है ना अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए ना तो जो है ना आप सीधा लाइटरूम ऐप के अंदर पहुँच जाइएगा। तो यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आपको यहाँ पे एक मिल रहा होगा ऊपर ऑल फोटोज का ऑप्शन, ठीक है। तो ऑल फोटोज वाले ऑप्शन पे आइएगा ना तो यहाँ पे आपका जो फोटो है ना शो करने लगेगा एंड यहाँ पे मेरा एक प्रीसेट है। तो इस प्रीसेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो आपका प्रीसेट होगा उस पर एक बार टैप कीजिएगा, ठीक है। मतलब इस प्रीसेट को आप डाउनलोड करके एंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रीसेट पे मैं आया हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रीसेट में सर्चिंग नहीं रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे गाइस। तो यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर आना होगा एंड कॉपी सेटिंग पे टैप करना होगा एंड इस पे एंड इस पे एंड इस पे क्रॉप वाले ऑप्शन को छोड़ देना होगा एंड यहाँ से डन कर दो एंड यहाँ से बाय कर देना होगा। अब मतलब आपका जो भी पिक होगा उस पर आप आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आने के बाद आपको यहाँ पे सेम प्रोसेस करना होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको थ्री डॉट पे आना होगा एंड यहाँ से फेस्ट सेटिंग कर देना होगा। देखिए ये चीज़ कितना अच्छा तरीके से एंड कितना ईजी तरीका है, आप लोग देखिए। तो जो है ना वन क्लिक के अंदर जो है ना आपका फोटो मेरे तरह रिटच हो जाएगा। वन क्लिक के अंदर देखिए यहाँ पे अभी रिटच हो रहा है, तो कभी कभी यहाँ पे टाइम लगेगा इस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फोटो है ना रिटच हुआ अभी नहीं हुआ, कलर अप्लाई नहीं हुआ, अब हो चुका है। देखिए हो चुका है, आप लोग देखिए लाइव रूम। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ एंड देखिए हमारा कलर जो है ना रिटच हो चुका है वन क्लिक के अंदर फोटो, ठीक है। तो शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड जो भी हमारा फोटो यहाँ से इसको हम लोग शेयर करेंगे। तो देन गाइस यहाँ से फोटो को हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे स्केचबुक ऐप के अंदर। तो वहाँ पे जो भी चीज़ बताएंगे बस आपको स्टेप बाई स्टेप देखना होगा एंड आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए जो भी चीज़ बताएंगे गाइस आपको रियल बताएंगे, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं बताया जाएगा इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हमारा जो फोटो है यहाँ पे सर्च नहीं आया, तो यहाँ पे जो हमारा फोटो है यहाँ पे हो चुका है अपलोड, ठीक है। ये फोन के गैलरी में भी चला जाएगा गाइस एंड यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो स्केचबुक ऐप है इस पर टैप कर देंगे, एक बार टैप करेंगे, बस सिंपली एक बार टैप करेंगे। तो एक बार टैप करेंगे एंड एक बार टैप करेंगे तो मतलब जो भी हमारा फोटो होगा ना यहाँ से इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ओनली देखिए कितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ एडिटिंग करना। तो स्टेप बाई स्टेप वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, उस फोटो को मैं पहले से इस एप्लीकेशन के अंदर फेस को स्मूथ करते इसलिए सूख रहा है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो सो गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए कि मतलब जब भी हमारा फोटो का मॉडल है यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड ऐड होने के बाद सभी पहले आपको फेस स्मूथ करके सिखा देते हैं। एंड जो है ना फेस स्मूथ करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है एंड मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, ठीक है। तो इसके लिए आपको आना होगा यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पर। देखिए ये चीज़ मैं आपको ईजी तरीके से बता देता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना होगा। एंड गाइस देखिए यहाँ पर भी चीज़ बहुत आसान है, स्मूथ वाला ऑप्शन देख लीजिएगा एंड यहाँ पर ये वाला ब्रश मिल जाएगा। देखिए ये चीज़ कितना आसान है एंड आइएगा एंड सेटिंग पे आ जाएगा। अब सेटिंग को देखिए, इसको बहुत इजी तरीके से मैं आपको करके बताता हूँ। फॉलो को 5 स्टेन को 5, ठीक है। सेम मेरे तरह रखिएगा एंड सेम रखने के बाद जो साइज है आप अपने हिसाब से रखिएगा। साइज को मैं अभी 26 रख देता हूँ, 26 से कुछ माइनस कर देते हैं, 21 रख देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। आप अपने फेस को यहाँ से कुछ स्टेप से जूमिंग कीजिएगा एंड अपने ब्रश को अप्लाई कीजिएगा। एंड गाइस देखिए जो ब्रश को हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी मतलब हमारा फेस है कितना बेहतरीन तरीके से जो है ना स्मूथ रहा है। आप लोग लाइव प्रूफ देखिए यहाँ पे कितना इजी तरीके से जो है ना हम इसको स्मूथ कराएँ। तो यहाँ पे कुछ स्टेप से अपने हिसाब से जो ब्लैक है यहाँ पे मेरा हेयर कुछ ज़्यादा हो चुका था फेस पे, तो इसको हम लोग कुछ स्टेप से नीचे से व्हाइट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे ना तो यहाँ पे जो है ना ब्लैक हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना इजी तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लैक को हाइड कर सकते हैं एंड आपको कोई भी फेस में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं गाइस। तो इसी तरीके से जो है ना अपने फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लीजिएगा। तो गाइस हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते कि मतलब जो भी हमारा फोटो था ना, हम इसको इस मोड के लिए आप लोग यहाँ पे देखिए। तो इसी तरीके से जो ना आप भी कर लीजिएगा, एंड इतना काम करने के बाद लिप्स को थोड़ा सा रेड करने का बहुत ज़्यादा फीका लग रहा है। तो इसके लिए आपको ऊपर लेयर पे टैप करने का एंड प्लस पे टैप करने का, यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगा। इस लेयर पे एक बार टैप कीजिएगा और नॉर्मल वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड डार्कन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। कट और ड्रो ये चीज़ कितना अच्छा है आप लोग देख सकते हैं। एंड आपको ब्रश पे आना होगा एंड लाइब्रेरी पे टैप करना होगा, नीचे की तरफ आना होगा एंड आपको ए वाला ब्रश सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, आप मिस नहीं कीजिएगा। ट्रांजेक्शन लिखा हुआ देख लीजिएगा एंड यहीं पे वाला ब्रश मिल जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिए एंड सेटिंग पे आएंगे तो जो इसका मतलब आप सीटे ना ये आप होल्ड रखिएगा एंड जो साइज है ना ये आप अपने हिसाब से रखिएगा। साइज मैं 17 रखूँ एंड यहाँ से कर देता हूँ। तो अब आपको कलर वाले ऑप्शन पे आना होगा एंड यहाँ से मतलब जो भी कलर करें मर्जी वो रख सकते हैं। एंड मैं रेड रख देता हूँ एंड यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड गाइस देखिए कट करने के बाद हमारा जो भी मतलब हमारा यहाँ पे लिप्स है, हम कुछ स्टेप्स से अपने लिप्स को रेड कर लेते हैं। एंड देखिए कितना हैंडसम लग रहा है हमारा लिप्स, कितना अच्छे तरीके से मैं इसको रेड किया हूँ आप लोग देखिए। एंड कुछ ज़्यादा हो चुका है एंड इसको हम लोग माइनस भी कर सकते हैं। एंड लेयर पे आएंगे एंड इस पर टैप करेंगे एंड इसका जो ऑपोसिटी है घटा बढ़ा सकते हैं। तो एंड हम इसको कुछ स्टेप्स रखेंगे एंड हम उनको 51। तो देखिए कितना गजब फोटो लग रहा है। एंड यहाँ से फोटो को ऊपर बॉक्स पर टैप करेंगे एंड शेयर पर टैप करेंगे एंड यहाँ से फोटो को हम लोग सिंपली ओपन करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आपको वहाँ पे बताएंगे कि मतलब कैसे जो है ना आप अपने बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से मेरे तरह एडिट कर सकते हैं। एंड तो सबसे पहले मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना एंड देखिए गाइस ऑन करने के बाद आपको चीज़ बताएंगे, बस स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए। तो इसके लिए फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर आपको जाना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आया हूँ एंड आपको यहाँ पे जो भी चीज़ बताएंगे उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा तभी जो है ना आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे, मतलब जब तक हमारा फोटो यहाँ पे कट हो जा रहा है, मतलब जितने जल्दी नेट चलेगा ना उतने जल्दी कट हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज मत होना है, स्टेप बाई स्टेप वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फोटो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड हमारा नेट थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पे जो गाइस है ना हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देखते कि जो भी मतलब हमारा फोटो का मॉडल था कट हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस फोटो को कट होने के बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ बताएंगे बस उसका आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नीचे आना होगा, नीचे की तरफ आइएगा। इसी ये चीज़ मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ, स्टेप बाई स्टेप देखिए। तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आपको ब्लर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इस ब्लर वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करना होगा, मतलब आपको एक बार टैप कर देना होगा। जस्ट देखिए मैं टैप किया हूँ एंड कुछ स्टेप से आया है फोटो। तो यहाँ पे अभी बहुत कुछ खुलेगा एंड आप लोग देखते रहिए। तो ये नीचे देखिए खुल चुका है एंड आपको सबसे पहले आना होगा बैकग्राउंड का ऑप्शन भी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ब्लर को एक बार मतलब माइनस करना एंड इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो जो यहाँ पे चीज़ है ना इसको आप लोग अगर यहाँ से माइनस कीजिएगा तो जो है ना पीछे का ब्लर पूरा हट जाएगा एंड इसको हम लोग 40 करेंगे एंड बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है एंड डन कर देंगे। फिर से जो है ना बैकग्राउंड पे आना होगा एंड आपको आने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करना होगा एंड एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा एंड इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद कुछ स्टेप से जो है ना कुछ स्टेप से करना होगा अपने बैकग्राउंड का टोन कुछ स्टेप से करना होगा एंड ह्यू पे आ जाना होगा। एंड ह्यू पे आने के बाद देखिए जो भी चीज़ है इसका मतलब आपको अच्छे से करके बता दें एंड ए वाला रखेंगे, कितना गजब लग रहा है, सेम है, ठीक है। फिर से हम लोग ब्राइटनेस पे आएंगे एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड ये चीज़ आप अच्छे से कर लीजिएगा। एंड सिचुएशन पे आएंगे एंड सिचुएशन को आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से छेड़छाड़ इधर उधर कर लीजिएगा एंड आपको हाईलाइटेड पे आना होगा एंड हाईलाइटेड को भी थोड़ा सा माइनस प्लस कर मतलब 10 इस पे आना होगा एंड इसको मतलब हर कुछ को यहाँ पे छेड़ के देख सकते हैं। यहाँ से डन कर देते हैं। अब यहाँ से जो है ना हम लोग मोबाइल डाटा को ऑफ कर लेते हैं, ऑफ किए हैं एंड शेयर के ऑप्शन पर टैप करेंगे एंड यहाँ से इसको हटा देंगे। एक चीज़ आपको गाइस मैं इजी एंड फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे तो जो है ना पिक एड ऐप के अंदर फोटो को शेयर करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे एंड समझाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ आप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे वीडियो में, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ बार बार यही कि मतलब जो है ना वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिए, अलाउ कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, जो भी चीज़ इसमें करेंगे उसको हम लोग जल्दी जल्दी आपको बताएंगे। क्या है ना पिकड ऐप के अंदर जो भी चीज़ है वो यहाँ पे क्या करते हैं हम पिकड ऐप के अंदर, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए मैं नीचे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आता हूँ एंड ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे आने का मतलब जो भी हमारा मतलब पिक होगा जिसको हम फेस स्मूथ किए थे उस वाले पिक को ऐड कर लेंगे। तो उस चीज़ से हम लोग उस फोटो से क्या करेंगे ये भी चीज़ आपको बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्लो चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे इस वाले एक मतलब एक को हम ले लेंगे एंड यहाँ से ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे एंड समझाएंगे भी गाइस। तो जो भी चीज़ है मेरा मॉडल यहाँ पे आ चुका है एंड आने के बाद देखिए गाइस मतलब जो भी मॉडल आया है एंड इसको हम लोग बड़ा करेंगे कुछ स्टेप्स अपने फोटो के हिसाब से बड़ा कर लेंगे एंड ऊपर इरेजर पे टैप करेंगे एंड इनवाइट कर देंगे। अब इनवाइट करने के बाद अपने ब्रश पे मतलब अपने जो भी वाटर मार्क होगा इस पर रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर डन कर देंगे फोटो को। तो देखिए वाटर मार्क कितना इजी तरीके से यहाँ से रिमूव हो चुका है एंड ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, ठीक है।
अब PNG को ऐड करना है। ये चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे एंड समझाएंगे भी गाइस। तो यहाँ पे PNG कहाँ पे देख लेते हैं, एंड PNG बहुत इजी तरीके से मैं ऊपर ही सेंड पे टैप कर देता हूँ ये चीज़ मैं आपको, और गूगल फोटोज पे टैप कर देता हूँ। मतलब PNG कुछ ज़्यादा नीचे था इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये काम करने के लिए हम लोग डाउनलोड पे आएंगे, एंड डाउनलोड पे आने के बाद मतलब जो भी हमारा PNG था उस पर आ जाएंगे। तो कहाँ पे थोड़ा सा टाइम देकर यहाँ से देख लेते हैं, एंड गाइस यहाँ पे ये वाला PNG ठीक है ऐड कर देते हैं। ऐड देखिए PNG का लिंक आपको इसमें मैं दे दूंगा ठीक है, वहाँ से जाकर पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे एंड ब्लाइंड पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे, देखिए कितना हैंडसम लग रहा है ठीक है। और यहाँ से ऐड कर देंगे ठीक है, ऐड फोटो वाले से फिर से आएंगे, दो तीन PNG उसको ऐड करके आपको बताते थे इसकी, क्योंकि आप वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आएंगे एंड इस वाले ऑप्शन को लेंगे, एंड यहाँ से कम होगा तो इसमें से भी आप कर सकते हैं, एंड क्रॉप पे टैप कर देंगे। एंड क्रॉप पे टैप करेंगे, देखिए इस क्रॉप पे टैप करेंगे एंड कुछ स्टेप्स इसको हम लोग ले लेंगे ठीक है। केवल इसको लेंगे एक को एंड यहाँ से डन कर देंगे, एंड सेम प्रोसेस करेंगे बैंड पे एंड स्क्रीन कर देंगे। यहाँ पे कुछ स्टेप्स रखेंगे, कुछ स्टेप्स एंड यहाँ पे रखेंगे, देखिए इतना हैंडसम लग रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग डन कर देंगे, फिर से ऐड फोटो वाले से पाएंगे। इस चीज़ में आपको इजी तरीके से बताता हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप लोग देखते रहिए। एंड यहाँ पे रिसेंट पे टैप कर देंगे एंड गूगल फोटोज पे टैप करेंगे, तो देखिएगा इसकी कितना हैंडसम तरीके से जो है चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एंड डाउनलोड पे आएंगे फिर ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ से ऐड कर देंगे। ये चीज़ देखिए कितना इजी तरीका है, यहाँ पे रखेंगे कुछ स्टेप्स एंड हम लोग ब्लेंड एंड स्क्रीन करेंगे, ब्लेंड पे आएंगे एंड स्क्रीन कर देंगे, कितना हैवी लग रहा है आप लोग देखिए, एंड डन कर देंगे। फिर से ऐड फोटो पे आएंगे गाइस, ये चीज़ तो आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं, इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से PNG ऐड कर रहा हूँ। आप भी जो भी PNG होगा इस तरीके से मेरे तरह ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एंड डाउनलोड पे आएंगे, एंड डाउनलोड पे आने के बाद ये वाला PNG लेंगे एंड यहाँ से ऐड कर देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इससे कट आउट है ठीक है। तो ये भी इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड ऐड कर देंगे। अब एक हम लाइट को ऐड करेंगे, लाइट का लिंक भी आपको जितना PNG लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है। बस स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखते रहिए, गूगल फोटोज पे आएंगे, बस स्टेप बाई जो है ना वीडियो को देखते रहिए, जो भी चीज़ बताएंगे उसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा, तो 100% मेरी तरह एडिटिंग सीख जाइएगा। ऐड फोटो पर टैप करेंगे, इसको आप लोग एक बार दिमाग के देखिएगा, अगर आपको नहीं करने आता होगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लेंड पे आएंगे एंड स्क्रीन पे आएंगे, 100% जो है ना आप कर सकते हैं मेरे तरह, कुछ स्टेप से एडिटिंग एंड ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा मतलब CV इफेक्ट डालेंगे, तो नीचे आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर टैप कीजिएगा ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप लोग स्टेप बाई स्टेप देखिए इस वाले ऑप्शन पे आना होगा ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो 2 नंबर पे वाला मतलब ये वाला मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे एक एंड ऊपर इस मतलब यहाँ पे इरेजर पे टैप कीजिएगा, एंड जो भी फेस पे CV इफेक्ट चढ़ा होगा उसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं मेरे तरह सेम कुछ स्टेप से। आप लोग देखिए मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ एंड आपको करके भी सिखा भी रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है गाइस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, एंड आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, एंड इस पर करेंगे एंड हम लोग अपने हैंड पे थोड़ा सा कर लेंगे। एंड देखिए थोड़ा सा हम लोग हमारे शॉर्ट पे कितने दफे CV इफेक्ट चढ़ा है, एंड यहाँ से डन कर देंगे, एंड यहाँ से डन कर देंगे। तो देखिए फोटो कितना हैंडसम लग रहा है, एंड इफेक्ट पे आएंगे फिर से थोड़ा सा आपको बताएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे एंड इस पर टैप कर देंगे, एंड थोड़ा सा हम लोग इस वाले ऑप्शन को ले लेंगे ठीक है। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे एंड इसको कर लेंगे, तो जो भी चीज़ है इसको कुछ स्टेप से ये वाला हम लोग कलर रख लेते हैं ठीक है। यहाँ से डन कर देते हैं फोटो को, तो वैसे आप लोग देखिए कि फोटो कितने ज़्यादा हैवी तरीके से मैं इसको एडिट कर चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर से मिलता हूँ कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही।